इसलिए सैलरी भी काफी अच्छी है, 1,20,000 पर मंथ जो पहली वैकेंसी बता रहा हूँ। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड आफ्टरनून। लॉ की वैकेंसी बताऊंगा, 2 वैकेंसी है, 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, 1 किसी और डिपार्टमेंट में, तो वीडियो विदाउट स्किप करके देखना। और अच्छी वैकेंसी है, सैलरी भी काफी अच्छी है, 1,20,000 पर मंथ जो पहली वैकेंसी बता रहा हूँ। ये वैकेंसी किसमें आई है, देखो ये टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड में आई है, 10/7/2023 का नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और साइबर लॉ से डील करते हैं। अब बात करते हैं, देखो इसमें बहुत सारी वैकेंसी आई है, बट मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है तो लॉ से रिलेटेड ही बात करूंगा। 4th नंबर की वैकेंसी देखो, साइबर लॉ एक्सपर्ट लिखा हुआ है, वैकेंसी 1 है और सैलरी है पर मंथ 1,20,000। अब ये मत सोचना कि वैकेंसी 1 है अप्लाई क्यों करें, देखो कितनी सारी वैकेंसी आई है, लॉ की 1 ही लिख ली है और जितने भी डिपार्टमेंट में 1, 2, 3 ही निकलती है, इसलिए मिस मत करना। सैलरी बहुत अच्छी है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, टोटल वैसे 50 वैकेंसी आई है, उसमें लॉ की 1 है, तो आप लोग ये मत सोचना कि 1 वैकेंसी, अप्लाई जरूर करना इसको। और इसमें देखो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 1 साल रहेगा, एक्सटेंड हो सकता है, नोटिस 1 महीने का नोटिस देके आपको निकाल भी सकते हैं। 12 लीव है, TA/DA नहीं मिलेगा, अकोमोडेशन भी नहीं मिलेगा, मेडिकल भी नहीं मिलेगा। और इसका जो क्वालिफिकेशन है उसकी बात कर लेते हैं आप, देखो क्वालिफिकेशन में LLB LLM, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है हाई कोर्ट में, आपका साइबर लॉ क्राइम से डील करते हो एक्सपीरियंस मांगा है, या वैसे भी एक्सपीरियंस हो आपके हाई कोर्ट में तो अप्लाई कर देना, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है मिनिमम। और डिजायरेबल भी लिखा हुआ है, वो भी पढ़ लेना आराम से, पॉज करके फोटो आ रही होगी आराम से देख लेना। अब इसकी बात करते हैं लास्ट डेट क्या है इसकी, देखो इसकी लास्ट डेट है 4/8/2023 और ये मेल आईडी भी दे रखी है और csp.mha@tcil.net.in ये ऑफिशियल वेबसाइट मेल आईडी है, इसमें आपको एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी थ्रू मेल आईडी, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको फॉर्म वॉर्म मिल जाएगा, जाके देख लेना। लास्ट डेट है 4/8/2023। अब बात करते हैं सेकंड वैकेंसी की, वो आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, और देखो इसमें भी एक वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव लीगल की और जॉब रेफरेंस नंबर है 5047-3005, एप्लीकेशन 21/7/2023 को आखिरी डेट है, 21/7/2023, तो मिस मत करना, आने वाली 21 तारीख। और इसमें मैंने आपको बता दिया, जॉब प्रोफाइल बता रखा है, लीगल मैटर से डील करना पड़ेगा, सारी चीजें रहेगी, सैलरी रहेगी इसमें 36,000 पर मंथ प्लस 5,000 आपको OCA मिलेगा जो भी है, तो मतलब 40,000 के आसपास, 41 के हिसाब से 41,000 के आसपास सैलरी रहेगी। सारी चीजें इस नोटिफिकेशन में पढ़ लेना और ये सारी चीजें मैंने बता दिया, 2 वैकेंसी बताई है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड अपडेट आता है, लॉ ऑफिसर की चाहे कहीं पे वैकेंसी है मैं बताता हूँ, सिविल जज की कहीं पे वैकेंसी है बताता हूँ। और फिर भी कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे मैसेज कर देना, फॉलो भी कर लेना और मैं जैसे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। ये मत सोचना कि एक एक वैकेंसी है देना, एक्सपीरियंस मिलता है हर चीज का और जॉब लग जाए तो बेटर है, आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हो कहीं और, जिसको आप जैसे जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हो, जब आपके हाथ में खुद की इनकम हो जाती है ना फिर टेंशन नहीं रहती, इसलिए जॉब लगना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपकी जो इच्छा है, आपका गोल है, उसको परस्यू करो, मतलब उस पर आगे बढ़ो, जैसे सिविल जज बनना है, किसी को लॉ ऑफिसर बनना है, किसी को क्या बनना है, बट जॉब हाथ में होना जरूरी है, इसलिए फिल करना फॉर्म को, मिस मत करो। और ऐसी और वैकेंसी आती रहती है, कभी ज्यादा आती है, जैसे JLO की वैकेंसी आई है 140 करीब, उसका बताया मैंने अपडेट, राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है, सिविल जज की वैकेंसी भी आती रहती है, अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बताता हूँ, सब कुछ डिटेल में बताता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, बेल आइकन भी दबा देना जिससे आपको अपडेट मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, कोई डेट मिस नहीं होगी, जिसमें 21 तारीख लास्ट डेट है, कोई 21 तारीख के बाद देखेगा तो कोई मतलब नहीं है इस वीडियो का, तो बेल आइकन दबाना जरूरी है। तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।